अब सब लोग एलगाटो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए पॉपुलर डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। एंड आप में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक विदाउट एलगाटो स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं या फिर मैं खुद स्ट्रीमिंग कैसे करता हूँ विदाउट एलगाटो। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग प्रोफेशनली PUBG मोबाइल स्ट्रीम कर सकते हो या फिर कोई भी गेम स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब पर अपने लैपटॉप को यूज़ करके या फिर PC को यूज़ करके। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एकदम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एंड अगर आपको कुछ चीज़ें स्किप करने का मन करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं हाइलाइट्स भी दे दूंगा जिसमें आप वही चीज देख सकते हो जो आपको देखनी है। तो हे गाइस, इट्स मी तेजस, यू आर वाचिंग एलिमेंटटेक एंड दिस इज हाउ टू स्ट्रीम PUBG मोबाइल विदाउट यूजिंग एलगाटो ऑन योर पीसी। सो विदाउट फर्दर यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, PUBG मोबाइल स्ट्रीम करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, बट यहाँ पर मैं एकदम बेसिक सबसे चीपेस्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा। एंड अगर आपके पास एक प्राइमरी लैपटॉप है जो आप यूज़ करते हो जहाँ पे सिर्फ आपको एक ही 3.5mm जैक देखने मिल जाता है, वैसे केस में कैसे आप अपने लैपटॉप पे स्ट्रीमिंग कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ये सेम चीज़ पीसी पे भी अप्लीकेबल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि आप लोग को एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लगेगा एक स्प्लिटर जो 3.5mm टू 2 वे स्प्लिट होता है, ऑडियो को स्प्लिट करता है। जो सेकंड चीज़ आपको लगेगी इज़ द साउंड कार्ड। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत सारे साउंड कार्ड्स देखने मिल जाएंगे। मेरे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जो तीसरी चीज़ आपको लगेगी वो है एक ऑक्स केबल जो 3.5mm जैक में फिट होगी। एंड आपको यहाँ पर लगेंगे 2 हेडफोन्स जो आपके नॉर्मल बेसिक डे टू डे हेडफोन्स होते हैं। आप यहाँ पर नॉर्मल आपके हेडफोन्स यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली 2 मोबाइल के हेडफोन्स यूज़ करता हूँ, एक मेरा हेडफोन है एंड एक मैं अपने पापा का हेडफोन यूज़ करता हूँ। एंड एंड में आपको लगेगा एक USB डेटा केबल, वो माइक्रो USB होगा, टाइप सी होगा, वो आपके फ़ोन पे डिपेंड करता है। तो ये सारे रहे कंपोनेंट्स। अब हम लोग चलते हैं कनेक्शन की तरफ कि एग्जैक्टली ये सारे कंपोनेंट्स को आपको कनेक्ट कैसे करना है। स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको 3 तरह के ऑडियो रहते हैं जो आपको अपने स्ट्रीम पर दिखाने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है कि गेम ऑडियो एंड जो अपने टीममेट्स का ऑडियो होता है वो स्ट्रीम में जाना चाहिए। जो दूसरा ऑडियो रहता है वो मेरा खुद का वॉइस मेरे टीममेट्स को या फिर स्ट्रीम में जाना चाहिए। एंड जो थर्ड होता है वो गेम ऑडियो एंड टीममेट्स का ऑडियो मुझे आना चाहिए। आगे जो मैं कनेक्शंस बताऊंगा वो एकदम सिंपल रहेंगे, मुझे फॉलो करना। सबसे पहले आपके फ़ोन के 3.5mm जैक में आपको स्प्लिटर का सिंगल एंड कनेक्ट कर देना है। जो बाकी के 2 एंड्स होंगे स्प्लिटर के वहाँ पे एक साइड में आपको ऑक्स केबल कनेक्ट करनी है जिससे आपका जो गेम ऑडियो है वो स्ट्रीम तक जाएगा। एंड दूसरे एंड में आपको एक अपना पर्सनल हेडफोन कनेक्ट करना है जिससे गेम का ऑडियो आप खुद सुन सकते हो। स्प्लिटर के कनेक्शन होने के बाद आपको अभी कनेक्ट करना है ऑक्स केबल को अपने पीसी से। आपको करना ये है कि जो ऑक्स केबल का दूसरा एंड है उसको अपने साउंड कार्ड के माइक्रोफोन इनपुट में लगाना है। एंड साउंड कार्ड को अपने लैपटॉप के किसी भी USB पोर्ट में लगा देना। साउंड कार्ड यूजुअली अपने आप रिकग्नाइज हो जाता है एंड उसके ड्राइवर्स जो है इंस्टॉल होकर रेडी टू यूज हो जाता है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना है अपने USB केबल को लेके एंड USB केबल को लेके अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर देना कोई भी USB पोर्ट पे। एंड जो फोन वाला एंड होगा वो अपने फोन में कनेक्ट कर देना। यहाँ पर अपने सारे कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इतना होने के बाद आपका जो सेकंड हेडफोन है उसको अपने लैपटॉप के माइक्रोफोन इनपुट या फिर जो 3.5mm जैक है उसमें आपको लगा देना है ताकि आपका वॉइस जो है वो स्ट्रीम तक जा सके। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे सारे कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट रेडी है हमारा सेटअप। अब अगला स्टेप जो आता है वो हमारा स्क्रीन को मिरर करना ऑन द PC। तो ये करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट इज़ कॉल्ड ApowerMirror। बेसिकली ApowerMirror का ऐप आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड पीसी में भी आपको ApowerMirror इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अगर आप ऑफिशियल ApowerMirror लोगे तो वहाँ पर आपको अपने स्ट्रीम में वाटरमार्क देखने मिल जाएगा जो काफ़ी इरिटेटिंग हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक क्रैक वर्जन का लिंक दे दूंगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। डो नॉट वरी, इट्स वेरी सेफ, आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो एंड यहाँ पे आपका जो वाटरमार्क वाला इशू है वो भी चला जाएगा। इतना होने के बाद आपको USB डीबगिंग ऑन करना पड़ेगा अपने फ़ोन में। तो आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में नीचे स्क्रोल कर देना, अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको बिल्ड नंबर दिखाई देगा। बिल्ड नंबर को आपको 7 टाइम्स टैप करना है एंड 7 टाइम्स टैप करने के बाद आपका डेवलपर मोड जो है ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको डेवलपर सेटिंग्स में जाना है। अगर आप Realme यूजर हो तो आपको ये एडिशनल सेटिंग में देखने को मिल जाएंगे Realme एंड Redmi दोनों भी डिवाइसेस में। तो एडिशनल सेटिंग्स में जाके आपको नीचे डेवलपर सेटिंग्स में जाना है एंड नीचे स्क्रॉल करके आपको ढूंढना है USB डीबगिंग ऑप्शन एंड उसको वहाँ पे ऑन कर दो। अगर आप ये पहली बार कर रहे हो तो आपको कुछ परमिशंस आपको यहाँ पे अलाउ करने पड़ेंगे, तो उसको अलाउ कर देना। एंड जैसे आप यहाँ पे डिबगिंग ऑन कर देते हो, USB डिबगिंग ऑन करने के बाद पूरा काम आ जाता है लैपटॉप पे। तो चलते हैं अभी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। USB डिबगिंग अपना ऑन होने के बाद आपको जाना है PC पे। यहाँ पे मैं अपना ApowerMirror वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने मिल जाएगा। जैसे ही आप अपना फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट कर देते हो अपने पीसी के साथ, आपको जाना है यूएसबी कनेक्शन में एंड आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका डिवाइस जो भी होगा उसको। तो मैं यहाँ पे अपने Realme XT पे क्लिक कर देता हूँ एंड कुछ इस तरह से लोडिंग हो जाएगा एंड जैसे ही 100% कम्प्लीट हो जाता है, तो जैसे ही वो 100% कम्प्लीट हो जाता है कुछ इस तरह से आपको प्रॉम्प्ट देखने मिल जाएगा अपने फ़ोन में। तो आपके फ़ोन में भी उसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना एंड जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हो, आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है वो अपने पीसी पे आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो फाइनली अभी हमने यहाँ पे हमारा स्क्रीन जो है वो अपने पीसी में डाल दिया है। अब बारी आती है स्ट्रीम सेटअप की। तो वो स्ट्रीम सेटअप करने के लिए आपको अपना स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर देना है। तो मैं अपना स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। आई एम यूजिंग OBS स्टूडियो। आपको चाहिए तो यहाँ इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरे स्ट्रीम के लिए सेटअप करके रखा है, बट मैं आप लोग के लिए एकदम स्क्रैच से एक नया सेटअप बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस का आइकॉन पर क्लिक कर देना एंड आपके सीन को कोई भी नाम दे दो। मैं यहाँ पर ट्रायल नाम दे दूँगा। ट्रायल नाम दे देने के बाद ओके कर दो एंड वहाँ पर आपको सोर्सेज में जाना है। सोर्सेज में हम लोग ऑडियो ऐड करेंगे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऑडियो इनपुट कैप्चर में। ऑडियो इनपुट कैप्चर में क्लिक कर देना एंड यहाँ पर क्रिएट न्यू पे ओके कर देना। तो जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको माइक देखने मिल जाएगा जो फ्रंट पैनल पे लगाया हुआ है मैंने, जिससे मेरा ऑडियो स्ट्रीम में जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई विल क्लिक ओके। तो ये हो जाने के बाद हम लोग ऐड करेंगे हमारा गेम साउंड। गेम साउंड ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, सेम ऑडियो इनपुट कैप्चर एंड यहाँ पर न्यू हम लोग बना देंगे। ओके करने के बाद हम लोग डिफ़ॉल्ट में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको माइक्रोफोन 2 USB PNP साउंड डिवाइस देखने को मिल जाएगा। उसको हम लोग को सिलेक्ट कर देना है एंड आई विल टैप ओके। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग का ऑडियो इनपुट 4 भी आ चुका है एंड ऑडियो इनपुट 3 भी आ चुका है। यहाँ पे दोनों ऑडियो सोर्सेस वर्किंग है। इतना हो जाने के बाद अभी हम लोग स्ट्रीम सेटअप कर लेंगे। अभी ऑडियो तो स्ट्रीम में इंपोर्ट हो चुका है। अब बारी आती है डिस्प्ले की। तो यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग एंड जाएंगे विंडो कैप्चर में। विंडो कैप्चर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नया विंडो क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ पर विंडो ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है ApowerMirror। ये मेन वाला ऑप्शन आपको जैसे सिलेक्ट कर लोगे, आपका जो स्क्रीन है फ़ोन का वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप ओके कर देना एंड यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। ये हो जाने के बाद अपना जो गेम है उसको ऑन कर देना एंड जैसे आपका गेम ऑन हो जाएगा वो पोर्ट्रेट मोड में शिफ्ट हो जाएगा स्क्रीन एंड ओपन हो जाने के बाद आपको इस स्क्रीन को एडजस्ट कर लेना है, इसके साइज को। मैं इसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा जो स्ट्रीम है वो पूरा कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। जो भी मेरा गेम है वो यहाँ पे पूरा देख सकते हो आप, परफेक्टली मिरर हो रहा है मेरे स्क्रीन पे एंड मेरे लैपटॉप में। इस इतना हो जाने के बाद आप अपने ओवरले को सेटअप कर सकते हो। अगर आप वेबकैम लगाने वाले हो तो वो आप सेटअप कर सकते हो एंड आपका स्ट्रीम जो है वो रेडी है। बस आपको स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर देना है एंड आपका स्ट्रीम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो कुछ इस तरह से मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप दिखता है एंड आप लोग भी ऐसे स्ट्रीमिंग सेटअप बना सकते हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एकदम ईजी वे है ये। वेल आई होप यू एन्जॉय दिस ट्यूटोरियल गाइज। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लिव अ लाइक। यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि आपको ऐसे और अमेजिंग टेक फील्ड वीडियोज देखने मिल जाए। एंड एनीवेज गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स मी तेज साइनिंग ऑफ। यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।